नमस्कार प्रायिकता और याचिक प्रक्रियाओं के इस पाठ्यक्रम में आपका पुनर्स्वागत है पिछले व्याख्यानों में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया याचिक चर जो कि असतत और या सतत प्रकार के थे उनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रस्तुत करूंगा आपको याचिक चरों के फलन प्रमुखता जब फलन दो याचिक चरों को सम्मिलित करता है या इसे द्विचर फलन भी कहते हैं उनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों के तो आइए हम उन प्रश्नों की व्याख्या से पहले एक संक्षिप्त पुनरावलोकन करें कि ये द्विचर याचिक फलन क्या होते हैं तो कोई दो चर जिन्हें हमने एक सुरवाई से इंगित किया है इनके संयुक्त वितरण या द्विचर जो कि द्विचर होगा एक निम्नलिखित घटना को प्रदर्शित करता है जिसे गणती रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं यानी कि याचिक्चर X और Y कोई दो वास्तविक संख्याओं के मान को लेंगे तो ये दोनों मान दो चूँकि दो याचिक्क्षर हैं एक क्षेत्र को इंगित करेंगे मान लीजिए वह क्षेत्र D1 से इंगित है तो हम देखते हैं कि यह क्षेत्र जो दिखाया गया है वास्तविक फलनों के जो कि द्विचर हैं एक सरवाई के रूप में यह अपना मान किस क्षेत्र में लेंगे इसको हम द्विपटल पर दिखा सकते हैं जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ चर याक्षिक्चर एक सुरवाई कोई दो मान अपने लेते हैं जिन्हें कि हमने छोटे अक्षर एक सरवाई से इंगित किया गया है और यह सारी संभावनाएं एक क्षेत्र में होंगी जो कि एक चतुरांश होगा जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है इसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए हम अब ये कहते हैं कि संयुक्त वितरण फल या द्विचर वितरण फल जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित होगा कि वह प्रायिकता है दोनों या चरों के कुछ निश्चित मान को लेने की एक साथ लेने की प्रायिकता है इसके कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार होते हैं पहला गुण यह है कि यह द्विचर वितरण फलन में अगर एक प्राचल का मान अगर हम ऋणात्मक अनंत रखेंगे तो वह बराबर होगा कि कोई एक चर अगर उसका मान ऋणात्मक अनंत है तो उसकी प्रायिकता शून्य है ये आप जान ही रहे होंगे किसी भी चर की प्रायिकता के वितरण के परिभाषा के अनुसार इसी तरह अगर दोनों चर में से कोई भी एक याचिक् चर का मान अगर ऋणात्मक अनंत है तो वह याचिक वितरण प्रण का मान शून्य के बराबर होगा इसी तरह जब चर मान अनंत धनात्मक अनंत लेंगे तो वह पूरे ही क्षेत्र को निर्देशित करेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका मान चूँकि वह प्रतिदर्श समष्टि के छे को निर्देशित कर रहा है तो उसकी प्रायिकता हमेशा इकाई से इंगित की जाती है अतः उसका मान एक होगा इसी प्रकार अगर हम इस प्रायिकता को किसी एक या चिक्चर के किसी दो मानों के बीच में मान लेने की जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे याचिक एक्स का मान तो किसी एक निश्चित वास्तविक संख्या छोटे x से कम है लेकिन याचिक वाई दो मानों को ले रहा है जिसका कि न्यूनतम मान y1 और अधिकतम मान y2 से निर्देशित है तो वह उस घटना की प्रायिकता होगी उसको प्रायिकता फलन के माध्यम से लिख सकते हैं जहाँ कि आप देख सकते हैं कि फलन का मान निकालेंगे अधिकतम मान जो कि याचिक चरवाई ले रहा है जो कि वाई दो है और उसको घटाते हैं अगर हम जब वितरण फल का मान y y1 एक रखने पर जो प्राप्त होगा इसी तरह इस प्रायिकता को हम दूसरे चर के लिए भी लिख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है चर y एक मान जो है एक निश्चित मान से हमेशा उसका कम है परंतु x का मान दो निश्चित सीमाओं के बीच में है तो यह दोनों घटनाएं जिन प्रायिकताओं को निर्देशित करती हैं उन्हें चित्र में देख सकते हैं ये दोनों घटनाएं एक प्रायिकता को करती हैं पहली घटना एक अर्ध पट्टिका को दर्शाएगी जो कि उर्ध है जो एक्स अक्ष है और दूसरी प्रायिकता एक क्षतिज है और दूसरी वाली जो है उर्ध है अर्धपट्टिका है जिसका कि न्यूनतम और अधिकतम मान एक्स वन और वाई वन के बराबर हो तो इस प्रकार हमने यह बताया कि ये द्विचर फलन कैसे होते हैं और ये कैसे भिन्न होते हैं किसी एक या चिक्चर के वितरण या घनत्व फलन से आइए इस गुणों को कुछ आगे बढ़ाएं तो एक और गुण इसी से संबंधित आ सकता है अगर दोनों या चर किसी निश्चित सीमा में मान ले रहे हों जैसा कि दिखाया गया है तो उनकी गणना हम कैसे करेंगे तो यो याचिक फलन है द्विचर याचिक फलन है उनका मान उनकी सीमाओं के लिए हम निकाल कर उनको निम्न प्रकार से गणित कर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है तो आप ये समझ ही रहे होंगे कि इस प्रायिकता को वर्णन करने में जो क्षेत्र की होगी उसको हम दिखा सकते हैं चतुर्भुज के रूप में जिसकी की सीमाएं जो कि जो यात्रिक चरों के जो न्यूनतम और अधिकतम मान है वो उनसे निर्धारित होती हैं तो इस तरह से एक द्विचर यात्रिक फरण की व्याख्या की जा सकती है आइए इस व्याख्या को आगे बढ़ाए और एक अन्य गुण देखें कि अगर हमें संयुक्त तो प्रायिकता घनत्व तो निकालना हो हमने तो पूर्व में वितरण फल का व्याख्या की अगर हम घनत्व तो फल निकालें तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि घनत्व तो फल और विचरण फल कैसे आपस में संबंधित होते हैं उन्हीं तरह के संबंध का ही प्रयोग करके द्विचर प्रायिकता घनत्व की व्याख्या की जा सकती है परंतु यहाँ पर दो फलन के दो प्राचल हैं x और y तो अतः जो घनत्व तो फलन होगा उसका अवकलन दोनों या चिक्चरों के सापेक्ष करने पर हमें यह घनत्व फलन प्राप्त हो जाएगा और जैसा कि आपने देखा कि हमने गुण एक में जैसे व्याख्या की है किसी भी प्रायिकता के वितरण फलन की और यह जो प्रायिकता घनत्व फलन दिया है इन दोनों को संयुक्त करके हम यह भी दिखा सकते हैं कि प्रायिकता का जो संयुक्त प्रायिकता वितरण फलन संबंधित होगा संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन के इस तरह के समाकलन से यह दोहरा समाकलन दोनों चरों के सापेक्ष लिया गया तो हम देख सकते हैं कि सारे संबंध प्रारूप में बिल्कुल बराबर हैं जैसे कि किसी एक याचिक चर के फलनों के होते हैं द्वि याचिक चरों के फल में वही संबंध जो है वो दोनों चरों के सापेक्ष हमें परिभाषित करने होते हैं तो अब हम एक और संबंध की ओर पढ़ रहे हैं वो यह संबंध इस प्रकार है कि अगर याचिक चरों के हमें संयुक्त वितरण फल दिए हैं तो क्या उससे हम जो उनमें सम्मिलित याचिक चर हैं क्या उनका सीमांत वितरण फल में निकाल सकते हैं बिल्कुल जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें संयुक्त फलन दिया है तो उसमें से किसी एक चर का मान अगर हम अनंत रख देंगे तो वह हमें दे देगा दूसरा बचा हुआ याचिक्चर के सीमांत वितरण फल तो अगर हम किसी संयुक्त याचिक्चर जिसको कि हमने एक्स वाई माना है अगर हम वाई का मान अनंत रख देंगे तो हमें उससे एक्स याचिक्चर का वितरण फल प्राप्त हो जाएगा इसी तरह अगर हम एक्स का मान अनंत रख देंगे तो हमें वितरण फल याचिक्चर वाई के लिए प्राप्त हो जाएगा और जैसा कि आपने पूर्व में देखा कि अगर हमें यही घनत्व फल दिए हो संयुक्त घनत्व फल तो क्या उससे हम सीमांत घनत्व फल निकाल सकते हैं हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं अगर संयुक्त घनत्व फल दिया हुआ है किसी दो याचिक चरों एक सो वाई के संबंध में अगर हम किसी एक याचिकचर के सापेक्ष कर देंगे तो हमें वो घनत्व फलन प्राप्त हो जाएगा बचे हुए याचिकचर का तो आप देख सकते हैं कि ये घनत्व फलन एक सौ वाई के लिए कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं संयुक्त घनत्व फलन से अब एक और चर्चा हम करते हैं कि अगर हमें दो चर दिए हैं जिन्हें कि हमें एक्स वाई से इंगित किया है अगर यह दोनों का संयुक्त रूप से ये दोनों चर अगर गाउसी या प्रसामान्य होते हैं तो उनका संयुक्त फलन निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया हो अगर संभव है तभी वह संयुक्त रूप से गौसी या प्रसामान्य होंगे तो आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी समरूप है किसी भी गाउसी या प्रसामान्य याचिक चर के घनत्व फलन के अनुसार जो कि एक घातीय होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स वाई का जो है वह एक गाउसी यात्रिक चर हैं जिनका कि औसत मान क्रमशः सिग्मा एक और सिग्मा दो है और जिनका की औसत का मान म्यू एक और म्यू दो है और जिनके की वितरण का मान सिग्मा एक घात दो और सिग्मा दो घात दो है यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि हम देख सकते हैं कि हाँ स्थिरांक एक है ये जो कि फलन बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं कि यह फलन एक प्रायिकता घनत्व को इंगित करता है तो कोई फलन प्रायिकता घनत्व तभी होता है पहला कि कि वह धनात्मक हो दूसरा कि जब उसका हम समाकलन याचिक चरों के सारे मान जो ले है के ऊपर करते हैं तो उसका मान हमें इकाई के रूप में प्राप्त हो तो यह इकाई का मान प्राप्त करने के लिए अगर हम इसकी गणना करें तो मैं छोटे रूप में आपको दिखा रहा हूँ तो यह स्थिरांक ए का मान जैसा दिया है वो इस तरह से हमें प्राप्त होगा जो कि हमारे याचिक चर जो हमने लिए हैं उन्हीं के संबंध में प्र... प्राप्त हो रहा है और एक और यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है जो कि आप देख रहे हैं यह है, यह है चर आप स्थिरांक है जो कि आर आर जो है वह सहसंबंध गुणांक है दो यात्रिक चरों की आपस में क्या संबंध है क्या वह संबंध बहुत निकट का है या उनमें कोई संबंध नहीं है इस चीज़ को गणितीय रूप में हम सहसंबंध गुणांक या आंग्ल भाषा में कोरिलेशन कोफिशन के माध्यम से इंगित करते हैं जिसका कि मान जिसका कि निरापेक्ष मान हमेशा एक या एक से कम होता है यह शून्य भी हो सकता है तो एक एक से कम मतलब यह अधिकतम मान एक या ऋण एक होगा जब इनके दोनों के संबंध बिल्कुल घनिष्ठ हैं लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत हैं जब वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही ये चर में परिवर्तन मान में परिवर्तन होता है तो उनका संबंध एक की ओर जाता है और जब इनके दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता तब तो इस गुणांक का मान शून्य होता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम अगर कोई भी संयुक्त घनत्वफल अगर आप इस तरह व्यक्त कर सकते फलन को तो वह दो या चिक्चर संयुक्त रूप से गौसियन या प्रसमान्य होंगे आइए इन पुनरावलोकन के साथ हम कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ें तो पहला उदाहरण इस प्रकार है यह उदाहरण में हमने ऐसी कल्पना की है कि हमें एक दो ए लंबाई की एक महीन सुई को अगर एक किसी तख्ते या पटल पर हम गिराते हैं जिस पर कि दो बी दूरी पर समानांतर रेखाएं खींची हैं जहाँ की बी का मान एक से अधिक होता है और यह चीज़ चित, चित्र में नीचे दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेखाएं खींची हैं समानांतर और इन रेखाओं के बीच की दूरी दो बी है जैसा कि इंगित है और ये सुई है जिसकी की लंबाई को हमने दो ए से इंगित किया है और यहाँ पर अब हमको यह बताना है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि अगर जो सुई है वो किसी एक रेखा को काटेगी उसका प्रायिकता का मान हमें दिखाना है कि उसका मान होगा दो ए भागा बी गुणित पाई जहाँ पाई स्थिरांक है आप परिचित हैं उससे तो इस प्रश्न का हल करने के लिए हमने उस धर्म को किस संबंध में लिया है हमने इस उदाहरण को लिया है चरों के द्विचर फलनों के लिए तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यहाँ वे दो याचिक क्या हैं जो कि इस प्रश्न की व्याख्या में इस्तेमाल करने आवश्यक होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अगर यह सुई अगर गिराई जाएगी किसी पटल पर जिसपे कि इस तरह की समानांतर रेखाएँ खींची हैं तो अगर सुई किसी रेखा के समीप होगी तो उसे उसे काटने की संभावना ज़्यादा है और आप ये जान सकते हैं सुई की कुल लंबाई से रेखाओं की बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा है जो कि हमने दिया हुआ है कि बी का मान एक से थोड़ा ज़्यादा है और अगर सुई गिरती है इन्हीं समानांतर रेखाओं के समानांतर तो वो किसी भी दशा में नहीं काटेगी लेकिन अगर वह इन रेखाओं से कुछ कोण बनाती है तो उसकी संभावना है कि वह उसे काटे तो यहाँ दो चीज़ें आप समझ सकते हैं एक तो सुई का रेखाओं के समीप होना यह एक याद हो सकता है और दूसरा सुई के गिरने के बाद इन रेखाओं से कुछ कोण बनाना अगर उस कोण का मान अगर शून्य हो जाएगा मतलब सुई भी समानांतर गिरेगी तब किसी भी दशा में वो सुई जो है वो इन रेखाओं को नहीं काटेगी तो अब हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो याचिक्चा लेने पड़ेंगे जिनकी की व्याख्या हमने अभी करी तो आइए इसे सफाई से देखते हैं कि हम मानते हैं कि सुई के मध्य बिंदु जो कि इस मध्य बिंदु मानने से यह समस्या थोड़ी संकुचित हो जाएगी अन्यथा आप सुई के किसी भी सिरे से भी मान सकते हैं कि दूरी रेखाओं की लेकिन हम मध्य बिंदु से मान रहे हैं जो कि हम इस समस्या को संकुचित कर लेंगे अगर हम किसी सिरे से मानेंगे तो वो समस्या थोड़ी परिवर्तित हो जाएगी तो मान लीजिए सुई का मध्य बिंदु से निकटतम रेखा की दूरी एक याचिक चर है जिसे कि हमने एक्स से इंगित किया है और रेखाओं के लंबवत और सुई के बीच का कोण रेखाओं का लंबवत और सुई के सुई के बीच का कोण अगर हम थीटा या चिक्चर से दर्शाते हैं तो यह दो या चिक्चर यहाँ पे हैं तो आप ये समझ सकते हैं इस प्रश्न की व्याख्या से कि यह दोनों या चिक्चर एक्स और थीटा स्वतंत्र होंगे क्योंकि सुई गिरने पर कोई भी कोण बना सकती है इन समांतर रेखाओं के लंबवत से और सुई गिर के ये दोनों चीज़ें आपस में संबंधित नहीं हैं अतः यह दोनों चर स्वतंत्र होंगे और अब हम क्या व्याख्या कर सकते हैं इन चरों के विचरण के बारे में तो अगर आप ध्यान दें तो हमने कहा है कि एक मध्य बिंदु की किसी भी समीप रेखा से दूरी है तो वह दूरी महत्तम कितनी हो सकती है चूँकि रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह दो बी से दर्शाई गई है और चूँकि हम मध्य बिंदु की गणना कर रहे हैं तो वह दूरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा बी की तो आप देख सकते हैं कि एक्स मतलब कि जो सुई का मध्य बिंदु की निकटतम रेखा से दूरी एक समान वितरित होगी या आंग्ल भाषा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अंतराल शून्य और बी के बीच में इसी तरह जो लंबवत से सुई कोण बनाती है वह कोण एक समान वितरित होगा शून्य से लेकर पाई बटा दो या नब्बे डिग्री या नब्बे अंश तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने इस प्रश्न को हल करने के लिए दो इच्छित याचिक चरों की कल्पना की और उनके वितरण का भी अनुमान लगा लिया इतना करने के बाद जो नया प, इसके आगे का पद होगा वो ये होगा कि तब याचिक चरों की क्या हम संयुक्त प्रायिकता निकाल सकते हैं हाँ हम संयुक्त प्रायिकता घनत्व बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों चर एक सौ थीटा स्वतंत्र माने हैं तो वह संयुक्त तो घनत्व फलन इनके घनत्व फलन के गुणन के बराबर होगा यह आपको पहले से ही ज्ञात है कि जब दो याचिक चरण अगर स्वतंत्र होते हैं तो उनका संयुक्त घनत्व फल उन या चरों के स्वयं के घनत्वफल के गुणनफल के बराबर होता है तो एक समान वितरण का घनत्व फल बहुत आपको ही है पूर्व में हमने परिचर्चा की वह होता है एक समान जो अंतराल है उनके अंतर के एक बटा अंतर तो आप चूंकि एक्स का अंतराल शून्य और बी है तो इसके घनत्व का मान होगा एक भागा बी इसी तरह से जो हमारा कोण है उसका जो घनत्वफल होगा वो होगा दो बटा पाई तो आप देख सकते हैं कि संयुक्त घनत्वफल एक्स और वाई का हम इस प्रकार उनके स्वयं के घनत्वफल के गुण से व्यक्त करके लिख सकते हैं जहाँ की एक्स और वाई क्या मान लेंगे वो हमने पहले ही व्याख्या कर दी है एक्स मान लेगा शून्य और बी के बीच में और थीटा मान लेगा शून्य और पाई बाई टू या नब्बे अक्षांश तो इस तरह आप देख सकते हैं कि चूंकि हमने मध्य बिंदु से कल्पना करी है तो यह सुई जो होगी यह ए लंबाई की है चूंकि आधी लंबाई सुई की ए है तो यह एक इस तरह का अर्ध एक चौथाई भाग गोले का बनाएगी जो कि एक आयत में होगा जिसको कि हमने आर से दिखाया है और अगर मध्य बिंदु जो कि एक द्विचर मध्य बिंदु और यह सुई का गिरना द्विचर याचिकर जो कि एक सौ थीटा अगर यह मान लेते हैं यह निहित होते हैं जो कि छयान्त क्षेत्र में हैं तभी यह सुई गिराई हुई सुई किसी समांतर रेखा को काटने की संभावना है अगर वह इस क्षेत्र के बाहर मान लेंगे तो वह सुई नहीं काटेगी किसी भी रेखा को उसकी प्रायिकता शून्य होगी तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी घनत्फल की संयुक्त घनत्वफल की व्याख्या की जो कि इसका किमान दो भागा बी पाई निकाला और अगर हम इस घनत्वफल को इस क्षेत्र से गुणित कर देंगे तो हमें इस प्रायिकता को हम निकाल सकते हैं कि यह जो सुई का जो मध्य भाग होगा और जो सुई का मध्य भाग रेखाओं के लंबौ से कोण बनाएगा वह उसकी प्रायिकता क्या होगी तो घनत्वफल हमें मालूम है तो हम उसको उस क्षेत्र से चूंकि क्षेत्र यहाँ पे इसके कि दो याचिक्षर हैं तो दो यादिक्षर को अगर हम अगर इसको किसी चित्र के रूप में दिखाएंगे तो वह एक द्विपटल व्यायामी होगा जिसका कि क्षेत्र की हमें गणना करनी होगी तो जैसा कि हमने माना है उस हिसाब से यह क्षेत्र जैसा कि छायांकित किया हुआ है चित्र में वो इस प्रकार होगा तो आइए अब हम बढ़ते हैं प्रायिकता फलन की गणना करने की ओर तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर सुई किसी रेखा को काटती है तो उसका मान मैंने मध्य बिंदु का किसी निकटतम रेखा से मान कम होना चाहिए एक कास थीटा से यहाँ थीता जो है वह यही है कि वह सुई का रेखाओं के लंबवत के बीच के कोण है और क्यों हमने का थीटा निकाला ये आप जामिति से पहले ही जानते होंगे तो इच्छित प्रायिकता को हम निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं वह क्या है प्रायिकता क्या होगी हमें प्रायिकता घनत्व का मान पहले ही पता है हमें यह पता है कि हमें एक्स का मान का थीटा से कम होने की प्रायिकता बतानी है तो हम उस प्रायिकता की गणना इस प्रकार कर सकते हैं। मान लीजिए वो प्रायिकता भी है वह यह दर्शाती है कि इस जो या शिक्षण एक्स है उसका मान एक एक थीटा से कम या से कम होता है तो उस प्रायिकता को हम गणित कर सकते हैं हमें प्रायिकता घनत्व फलन दिया है एफ एक्स थीटा और यह एक्स से गुणित करके और हम इसको सापेक्ष एक्स और थीटा के सापेक्ष हम समाकलित कर सकते हैं समाकलन हमें करना पड़ेगा पूरी है क्षेत्र में एक्स के सारे मान जो, जो कि शून्य माइनस अनंत है ऋण अनंत से लेकर अनंत तक इसी तरह थीटा चूँकि यहाँ पे थीटा एक कोण है तो उसका मान ऋण और धन लेकिन ये परिभाषा से हमने लिखा है जिसको कि हम इस प्रकार लिख सकते हैं जहाँ की एक्स की जगह हमने कास्थिता प्रयुक्त कर दिया जो ऊपर माना है हमने और आप घनत फल का मान आप देख ही सकते हैं हमने पूर्व में गणित किया था वो है दो भागा पाई बी चूंकि वह हमारे समाकलन के जो चर है उससे संबंधित नहीं है इसलिए वह इस समाकलन के बाहर आ गया जो बची हुई जो पद हैं उनका समाकलन बहुत ही सरल है आप सभी को ही होगा तो उसमें उस सीमाओं का जो कि जो कोण की सीमाएं हैं वो शून्य से पाई बाई टू या नब्बे डिग्री हैं उनका मान रखने पर यह प्रायिकता की गणना दो ए भागा पाई भी आएगी मुझे यह अनुमान है कि आप सभी इस प्रायिकता की गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं तो यहाँ तो इस प्रश्न का हल हो गया लेकिन यह प्रश्न बड़ा ही विशिष्ट परिणाम देता है उस परिणाम की व्याख्या से हम एक और रोचक चीज आपके साथ बाँट सकते हैं आइए उसकी चर्चा करें तो टिप्पणी यह है इस परिणाम के बारे में कि उपरोक्त प्रायिकता जो हमने निकाली है एक समाकलन के माध्यम से अगर उसकी व्याख्या अगर हम एक सापेक्ष आवृत्ति के रूप में करें आंग्ल भाषा में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में करें तो उससे इस परिणाम का उपयोग करके हम पाई का मान एक प्रयोगात्मक रूप में जिसको कि हम कार्लो प्रयोग बोलते हैं के रूप में गणित कर सकते हैं क्या होते हैं कार्लो प्रयोग आइए इसकी व्याख्या करें आप में से कुछ जरूर जानते होंगे कार्लो प्रयोग को जिसमें कि सापेक्ष आवृत्ति के रूप में प्रायिकता का गणन किया जाता है तो मान लीजिए कि सुई को इस पटल पे इन बार गिराया जाता है याचिक रूप से और उन एन बारों में वो एन आई बार किसी एक रेखा को काटती है तो अगर हमने इस एन को एक थोड़ी बड़ी संख्या के बराबर यह प्रयोग को किया और उनमें से प्रयोग कितनी बार सफल रहा मतलब यहाँ पे सुई ने काटा उसकी संख्या एन आई है तो अगर इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालें तो उससे हम प्रायिकता की गणना लगभग कर सकते हैं तो आप देखिए हमने समाकलन करके जो प्रायिकता को का जो मान निकाला था वह प्रश्न में दी हुई जो जानकारी है उसके हिसाब से उसका मान दो प्रायिकता को हमने सापेक्ष आवृत्ति के रूप में जब निर्देशित किया तो वो उसका मान होता है एन आई भागा एन तो अब आप देख सकते हैं हम इसको व्यक्त कर सकते हैं पाई को लगभग दो ए एन भागा बी एन आई के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो दिए हुए हैं पद उनका मान हमें ज्ञात है ए की आधी लंबाई है बी रेखाओं के बीच में आधी दूरी है और एन हमने इस प्रयोग को कितनी बार किया एन आई हमें कितनी सफलता इस तरह से भी हम पाई का मान निकाल सकते हैं और यह विधि कहलाती है मांटी कार्लो प्रयोग तो आइए एक और उदाहरण की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा उदाहरण इस प्रकार है कि हमें दो याचिक चर एक सौ की रचना करनी है जो संयुक्त रूप से तो नहीं परंतु सीमांत रूप से प्रसामान्य चर हैं या गौसियन चर हैं इस प्रश्न का हल निकालने के लिए हमें कुछ संकेत दिए गए हैं कि आप विचार करिए एक फलन जो कि संयुक्त फलन इन दोनों याचिक चरों के संबंध में दिया है वो ऐसा लिखा है कि इनका संयुक्त घनत्व फलन व्यक्त किया जा सकता है इन याचिक चरों के खुद के घनत्व फल जो कि एफ एक्स और एफ वाई से इंगित किया गया है और जो अन्य है एक स्थिरांक जिसका कि निरपेक्ष मान जो है एक से हमेशा कम होता है और इन याचिक चरों के वितरण के फलन के संबंध में तो यहाँ बड़ा एफ एक्स जो है एफ एन एफ एफ वाई इंगित करते हैं वितरण फलन इन याचिक चरों एक्स वाई के क्रमशः तो ये इनके रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो हमें यह दिखाना है कि आपने जैसा कि पुनरावलोकन में थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर किसी भी दो चरों का घनत्व फल अगर एक विशेष रूप से व्यक्त किया जा सकता है जो कि एक घाती फलन के रूप में होता है तभी वह दोनों याचिक् चर संयुक्त रूप से प्रसमान्य या गासीय होते हैं परंतु आप देख सकते हैं यह फलन जो जिसका कि हमें संकेत दिया है इस्तेमाल करने के लिए इस प्रश्न को का हल निकालने के लिए वह दिखने से नहीं लग रहा है कि होता है अतः यह इस बात को दिखाता है कि हमें ऐसे दो याचिक चरणों की गणना करनी है जो संयुक्त रूप से तो प्रसमन नहीं हैं परंतु वह सीमांत रूप से हैं तो हम इस फलन को ही मान लेते हैं तो हम फलन से देख सकते हैं कि यह एक संयुक्त गासिया या प्रसामान्य या चिकचर द्विचर का घनत्वफल नहीं है के रूप में नहीं व्यक्त किया सकता तो आइए अब देखें क्या यह दिया हुआ फलन अगर हम मानते हैं तो क्या इसे सीमांत रूप से हम गासी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं तो अगर कोई भी फलन को अगर हम घनत्वफल मानते हैं किसी भी या चिक्चर का तो वह ऐसा नहीं है कि कोई भी मनमाना फलन जो है वह प्रायिकता का घनत्व फल है किसी भी फलन को प्रायिकता का घनत्व फलन होने के लिए कुछ गुण उनमें होने चाहिए पहला गुण आप परिचित ही होंगे कि वह फलन हमेशा धनात्मक होना चाहिए और फिर उसका जो उस फलन की अगर हम समाकलन चूँकि हम यहाँ पे सतत चर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको समाकलन या जरों की सारी सीमाओं पर करेंगे तो उसका मान हमें इकाई करूँ प्राप्त होना चाहिए तो आप पहले यह दिखाएंगे कि अगर जो हमें जो संकेत दिया है कि इस फलन का इस्तेमाल करके आप किसी दो याचिक चरों की रचना कीजिए तो हम पहले यह कि यह फलन एक प्रायिकता फलन के गुणों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और फिर हम देखेंगे कि क्या यह सीमांत फलन जो देता है वह क्या प्रसामान्य चर का होता है कि नहीं है। तो आइए इन इस व्याख्या के साथ हम हल की व्याख्या करें तो पहला यह है कि याचिक जो फलन हमें दिया है वह याचिक चरों के घनत्व और वितरण फल के संबंध में दिया हुआ है जो कि हमेशा धनात्मक होते हैं उनका मान हमेशा शून्य और एक के बीच में होता है तो वो हमेशा धनात्मक होते हैं तो हम यह आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि दिया हुआ फलन का मान भी शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर हो सकता है तो यह एक जो है गुण है वो घनत फल का उसे पूरा करता है आइए अब हम देखें कि क्या हम इसके समाकलन या छिड़चरों के सीमाओं पर करने पर क्या इस फलन का मान इकाई के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए हम हम पहले मानते हैं जैसा कि आपके दिव्य फलन में दो पद हैं जिनका कि मान दो एफ एक्स ऋण एक और दूसरा है दो एफ वाई ऋण एक है उनको हम प्रथक रूप से U और V चर के रूप में मानते हैं ऐसा मानने के बाद चूँकि हमें समाकलन करना है तो समाकलन करने के लिए जो हमने माना है इन माने हुए पदों का हम अवकलन करने पर देख सकते हैं कि dU का मान dX के मान से कैसे इस संबंध के हिसाब से जोड़ा जा सकता है इसी तरह dV का मान dY के मान से कैसे जुड़ेगा तो यह जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम इस फलन के प्रायिकता घनत के फलन के होने के लिए एक जो निश्चित गुण है वो यह है कि अगर इसका समाकलन हमने या चिक्चर एक सौ के सारे मानों के ऊपर किया तो उसका मान इकाई आना चाहिए तो चलिए हम इसकी इस समाकलन को करते हैं जैसा कि हमने दिए हुए फलन में पहले ही मान लिया है कि जो इसके अंदर निहित पद हैं उनको u और v तो अगर हम उसको प्रतिस्थापित करें देवे फलन में तो हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि वह मान व्यक्त किया जा सकता है चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स का गुणन और एफ वाई डी वाई का गुणन को हम व्यक्त कर सकते हैं डी यू भागा दो इसी तरह डी वी भागा दो के तो यह तो हमने कर दिया बाहर के गुणन एफ एक्स और एफ वाई और डी एक्स डी वाई को व्यक्त और अंदर आप देख सकते हैं कि वह एक धन जो रो और जो हमने जो पद मांग रखे हैं यू वी के बराबर है तो अंदर का पद वह इतना ही संकुचित होकर हो जाएगा और अब यहाँ पर चरों का मान एक्स वाई से हटकर अब यू और वी हो जाएगा इस प्रतिस्थापन के वजह से तो इसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं यह दो इसको पहले हम तोड़ सकते हैं दो समाकलनों के जो कि आप देख सकते हैं कि इन दो समाकलनों के उसमें तोड़ दिया और अब हम देख सकते हैं कि ये इन समाकलन यह बहुत ही आसान समाकलन है तो आप इनका मान अगर आप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहला समाकलन हमें इकाई देता है और दूसरा समाकलन जो कि इनकी सीमाएं बड़ी समरूप है एक एक है एक ऋण एक है तो अगर उसको हम प्रयुक्त करेंगे तो उसका मान दोनों के लिए ही दोनों समाकलन का मान जो है वो शून्य आएगा अतः यह दिया हुआ फलन प्रायिकता घनत्व फलन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो जो हमें संकेत दिया गया था उस संकेत को हमने लिया और यह दिखाया कि जो घनत्व फलन है वह इन दो याचिक चरों के संयुक्त घनत्व फलन की आवश्यकताओं को पूरा करता है क्योंकि इसका मान हमेशा धनात्मक होता है और इसका समाकलन याचिक के सारे मानों पर करने पर इसका मान इकाई प्राप्त होता है तो यह वास्तव में एक या चिक चरों वाई का संयुक्त प्रायिकता घनत्व इंगित करता है आइए आगे बढ़ें। आगे हमें बोला था कि यह फलन आप देख सकते हैं कि इसका जो फलन का जो स्वरूप है वह इन दो याचिचरों के संयुक्त गासी या प्रसमान होने को नहीं दर्शाता तो ये तो पहली प्रश्न पूछेगी पहली जो है दशा है उसको व्यक्त करता है आइए हम देखें कि क्या हम इस फलन के माध्यम से सीमांत फलनों को प्राप्त कर सकते हैं तो सीमांत फल को प्राप्त करने के लिए अगर हम जो संयुक्त फलन दिया है उसको x के सापेक्ष अगर हम समाकलित करें यह मानते हुए कि अगर जो पद दो एफ वाई ऋण एक है उसको हम u या कोई भी आप मान सकते हैं चार मान सकते हैं इसको मानते हुए अगर हम इस समाकलन को करें तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दिए हुए संयुक्त घनत्वों को x के सापेक्ष समाकलित करते हैं अगर यह हमें एक सीमांत घनत्व देता है तो यह हमारे पूछे हुए प्रश्न की हल की ओर ले जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि फलन दिया हुआ है उसको अगर हम समाकलित करेंगे तो समाकलन करने पर इसका मान बड़ी आसानी से ये पद इस प्रतिस्थापन के लिए यह दिया हुआ जो समाकलन है बड़े आसानी से दिखाया जा सकता है कि वह दिखाएगा या शिक्षर एक्स के घनत्व फलन को इसी तरह दूसरे पद को इसी तरह मान करके हम दिखा सकते हैं अगर हम इसकी दिए हुए संयुक्त घनत्व फलन की का समाकलन अगर हम चर के सापेक्ष करेंगे तो उससे हम दिखा सकते हैं कि वह घनत्व फल देता है चर का तो अतः हमने यह देख लिया कि यह जो दिया हुआ मतलब हमने एक तरह से रचना कर ली इस दिए हुए फलन के माध्यम से किसी दो याचिक्चर के एक ऐसे फलन की जो संयुक्त रूप से प्रसमान तो नहीं है लेकिन वह सीमांत रूप से प्रसमान्य है तो इस तरह ये दिखा दिया और यह हमारे प्रश्न का व्याख्या हो गई सो अगर ये हमारे चर एक सौ वाई अगर प्रसमान वितरित हैं तो दिया हुआ फलन एक संयुक्त प्रायिकता घनत्व फल होगा जिसका कि प्रसमान सीमांतों के साथ वो स्वयं में प्रसमान्य नहीं होगा तो यह इसकी व्याख्या हुई आइए एक अन्य उदाहरण की ओर बढ़ें सो so, एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है कि हमें एक सौ वाई दो स्वतंत्र घाती या चर दिए हुए हैं घाती अंग्रेजी आंग्ल भाषा में एक रैंडम वेरिएबल या घाती या चर दिए हैं जिनके कि प्राचल जो है दोनों के प्राचल समान हैं दोनों एक्स और वाई स्वतंत्र घाती प्राचल के और जिसका मान हमने लैम्डा से इंगित किया हुआ है आपको विदित ही होगा कि जब घाती याचिक्चर होते हैं तो उनका प्रायिकता घनत्व किस प्रकार लिखा जा सकता है तो आप देख सकते हैं याचिक्चर एक्स और वाई का हमने प्रायिकता घनत्व एक घाती फलन के रूप में लिखा है और इन दोनों में प्राचल जो है वो समान है वो लहमदा ही है तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि दो स्वतंत्र याचिक चरों के योग ये स्वतंत्र याचिक चरण घाती का योग संबंधी वितरण सूत्र का उपयोग करके गणना कीजिए दिए हुए यात्रिक चरों जिसके बारे में हमने व्याख्या ऊपर करी है कि योग के प्रायिकता घनत्व के फलन की तो हमें इन दोनों यात्रिक चरों को योग करना है और उससे एक हमें नया चर जो जिसको कि आंग्ल भाषा के अक्षर से इंगित किया गया है अतः उस नए चर की प्रायिकता घनत्व को हमें की गणना करनी है तो जैसा कि आपको विदित ही होगा मेरे सहयोगी ने आपके समक्ष व्याख्या की होगी कि अगर हमारे पास दो चर हैं तो उनका योग का वितरण किस प्रकार होता है तो उनका योग योग का वितरण हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि अगर हमें दो स्वतंत्र याचिक चर दिए हैं जिन्हें कि अगर हम एक्स वाई से इंगित करते हैं जिनकी कि संबंधित प्रायिकता घनित एफ एक्स और एफ वाई से दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं पटल पे तो उनके योग का वितरण का प्रायिकता घनित दिया जा सकता है इस प्रकार जिसे कि आंग्ल भाषा में हम कन्वल्यूशन संबंध भी बोलते हैं जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि यह याचिकर एक याचिकचर है दूसरा हमारे जो इच्छित याचिकर है उसमें से एक याचिकचर को घटाया जाए इस तरह के संबंध को हम कन्वल्यूशन और याचिक्चर भी बोलते हैं और इसको घनत्व फल के रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं चूँकि यह स्वतंत्र याचिक्चर है तो इसको हम पृथक पृथक रूप से लिख सकते हैं तो याचिकचर का घनत्व फल गुणित या चिक्चर वाई का घणित फल जबकि वाई का मान जेड माइनस एक्स होगा तो यह घनत्फल परिभाषित होता है जब जेड मान लेगा एक से ज़्यादा और जब यह एक से कम मान लेगा तो उस समय घनत फल शून्य के बराबर होगा तो यह परिभाषा की व्याख्या मेरे सहयोगी ने की होगी हम उसका उपयोग करके इस फलन की गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं आइए देखें कि अगर हम इस संबंध का इस्तेमाल करते हैं तो हमने पहले ही दिखा रखा है कि याचिक चर के घनत्फल क्या हैं जिनको कि हमने घातीय फलन के रूप में पहले ही प्रश्न में ही व्याख्या कर रखी है तो इस तरह उपयोग सूत्र में अगर घाती फलनों को प्रतिस्थापित किया जाए तो हम देख सकते हैं कि इच्छित घनत्फल, माने योग इन स्वतंत्र याचिक चरों जो कि घाती वितरित हैं का योग का जो प्रायिकता घनत्वफल फल होगा वो लिख सकते हैं हम इस प्रकार जहाँ कि हमने घाती फलनों को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है इस संबंध में और इन्हें सरलीकृत करने पर हम इस समाकलन को करने के बाद इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं तो इस तरह हमने प्राप्त कर लिया किसी दो स्वतंत्र घाती चरों के योग के घनित घनत्वल को तो यह प्रायिकता घनत्वल आप देख सकते हैं ये खुद भी एक घाती है सो आइए एक और उदाहरण लें इस प्रश्न में हमें उस याचिक चर के प्रायिकता घनत्व की गणना करने के लिए कहा गया है जो कि इन्हीं दो चरों के अनुपात से परिभाषित होता है तो आप देख सकते हैं याचिक चर जेड परिभाषित है याचिक्चर x और वाई के अनुपात तो इसकी प्रायिकता घनत्व की गणना हम कैसे करेंगे तो इस घनत्व की गणना में हमें पहले इस अनुपात की वजह से जो संयुक्त क्षेत्र होगा चूँकि हमें यहाँ पे ये जो जो जेड यात्रिकर है वो अन्य दो या एक सौ वाई पर संबंधित है तो यह एक द्विचर याचिकर होगा तो हम पहले वो क्षेत्र की गणना करेंगे जिसमें कि ये याचिक्चर के मान लेने की प्रायिकता निर्भर करेगी तो इस प्रश्न को करने के लिए हमारा पहला प्रयास होगा कि हम जो दिए हुए संबंध के हिसाब से पहले उस क्षेत्र का अनुमान लगाएं जिसमें कि यह प्रायिकता की, की गणना हमें करनी है तो उदाहरण के लिए हम कैसे इस प्रश्न के हल की की शुरुआत करेंगे कि मान लिया की चर जेड जिसकी की प्रायिकता फलन दिया जाता है तो प्रायिकता फलन किसी भी चर का होता है कि उस जेड का मान जो है वो किसी भी वास्तविक संख्या छोटा जेड अक्षर से इंगित किया गया है जहाँ जेड हमें पता है प्रश्न के अनुसार वह दो याचिक चर एक सौ वाई का अनुपात है तो हमने ये लिखा कि बड़ा अक्षर जेड का मान अगर छोटे अक्षर से कम या बराबर होने के लिए की प्रायिकता होगी या अनुपात की प्रायिकता उस वास्तविक संख्या के तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो यह क्या एक के सारे मान के लिए संबंध परिभाषित होगा नहीं आप समझ सकते हैं कि यह परिभाषित नहीं होगा तो अब आप देख सकते हैं कि एक सौ वाई का अनुपात जिससे कम होगा या बराबर होगा उसको हम दो प्रकार से व्यक्त करेंगे कब जब एक स, वाई का मान शून्य से बड़ा होगा तो वो परिभाषा हो जाएगी कि एक्स का मान हमेशा कम या बराबर होता है जेड गुणित वाई के यहाँ वाई या दिक्चर का मान हमेशा शून्य से बड़ा होता है या वाई धनात्मक होता है यदि वाई ऋणात्मक हो यानी उसका मान शून्य से कम हो तो यह संबंध परिवर्तित हो जाएगा वाई के ऋणात्मक होने के बीच और वह संबंध हो जाएगा कि एक्स अब बड़ा या बराबर होगा जेड वाई के तो यह क्यों हुआ आप समझ ही सकते हो यहाँ वाई का मान का और धनात्मक और ऋणात्मक की हम कल्पना कर रहे हैं होने के कारण चूँकि हमें एक और वाई के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है तो यह जो याद चर हैं वो कोई भी मान ले सकते हैं तो हमने इस परिभाषा को पहले यह परिभाषित किया किस संबंध में कि वाई का मान क्या होगा ऐसा क्यों किया क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम अनुपात के लिए कर रहे थे अनुपात का जो चिन्ह होगा वो यह इस बात पे निर्भर करेगा कि y का मान शून्य से बड़ा है या शून्य से छोटा है तो अतः वितरण फल को प्रतिबंधित करते हैं दो घटनाओं पे। एक वह घटना कि y का मान बड़ा है शून्य से या उसकी पूरक घटना मतलब y का मान छोटा है शून्य से तो अगर हम यह देखें y का मान छोटा और बड़ा होना जो होगा वो प्रतिदृष्ट समष्टि के बराबर होगा मतलब y के सारे मान तो उसका मान जो है वो x के बराबर होगा तो अतः हमने इस व्याख्या से कर दिया ये हम विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रायिकता को निकालने के लिए अगर आप शुरुआत हमने करी थी प्रायिकता की जब परिभाषा की थी तो हमने बताया था विभाजन प्रमेय सो तो इस विभाजन प्रमेय के हिसाब से हम इस प्रायता मतलब ये जो वितरण फलन है वो एक प्रायिकता है को व्यक्त कर सकते हैं जिसको हमने प्रतिबंधित कर दिया किस पे दो घटनाओं पे वह घटनाएं हैं कि या तो y शून्य से बड़ा है या शून्य से छोटा है और जिनका कि युग्म जो होगा वो जो पूरे क्षेत्र के प्रतिदर्श समष्टि के बराबर होगा तो ये हम कभी भी कर सकते हैं और इसको करके हम इस प्रायिकता को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं इन दो पूरक घटनाओं के संबंध में तो आप देख सकते हैं कि इन दो पूरा घटनाओं के संबंध में लिख दिया और हमने पहले ही व्याख्या की जब ये पूरा घटनाएं होंगी तो संबंध किस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा अतः यह प्रायिकता अब होती है या तो x के छोटा होने की z गुणित y जब यह y का मान शून्य से ज़्यादा हो या या उसके बड़ा होने की जब y का मान कम हो तो यह जो पदों में व्याख्या कर ली अब हम दिखाएंगे अगले पटल पे कि ये किन क्षेत्रों को ये दोनों पद जो उपरोक्त प्रायिकता में हमने निकाले हैं ये प्रायिकता क्या है इच्छित या छिक के कोई सी मान किसी वास्तविक मान छोटे जट से कम लेने की प्रायिकता तो इनको हमने दो अलग अलग प्रायिकताओं में विभाजित कर दिया विभाजन प्रमेय के प्रयोग से और हम दिखाते हैं कि ये दोनों पद किस तरह के क्षेत्रों को दर्शित करेंगे द्विपटल में तो वह क्षेत्र इस प्रकार होंगे आप देख सकते हैं कि जब x और y का मान जब y का मान शून्य से ज़्यादा होगा तो वह क्षेत्र जैसा कि छायांकित किया हुआ है वह होगा और जब y का मान शून्य से कम होगा तो ये इस दशा में यही होगा वो ये वाला भाग हो जाएगा यहाँ पे निकल के आएगा जैसा देख सकते हैं ये दोनों ये दोनों प्रायताओं में हमने तोड़ दिया जिसको कि आप आसानी से समझ यह संबंध है एक वाई में चूंकि ये दिया हुआ है कि x भागा वाई बराबर है z के तो उसको हम इस तरह से समीकरण बना सकते हैं वह समीकरण एक रेखा का होगा तो रेखाओं के कि किस भाग की जो छाकित भाग है वो बताते हैं कि इन पूरक घटनाओं पर प्रतिस्ब्ध करने पे किन क्षेत्रों में वो जो दोनों जो याचिक एक सौ वाई के होने की प्रायिकता की गणना हम कर रहे हैं तो अब यह जब हो जाएगा तो अब आप, आप देख सकते हैं कि इन प्रायिकताओं की गणना हम बड़े आसानी से कर सकते हैं चूँकि हमें पता है कि संबंध क्या है एक्स और वाई और z में तो उसका इस्तेमाल करते हुए एक जो चर होगा उसको हम उस संबंध के सहायता से दूसरे चर के संबंध में कर देंगे तो वह समाकलन जो होगा किसी एक इच्छित चर के रूप में हो जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है आपके नीचे के पद में यहाँ पे यह दोनों समाकलन बिल्कुल समरूप हैं केवल इस बात की कि एक जगह y का मान धनात्मक है ऋणात्मक है तो इन दोनों को अगर हमें सम्मिलित करना चाहते हैं चूँकि हम क्षेत्र निकाल रहे हैं तो हम ले लेंगे निरपेक्ष मान y का जो कि एप्सीड्यूट वैल्यू है आंग्ली भाषा में y की और यह प्रायिकता इस तरह से हम उसके संयुक्त प्रायिकता घन से गुणित करके और उसका y के सारे मानों जो कि ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत के बीच में होंगे कि सापेक्ष हम समाकलित करके प्राप्त कर सकते तो ये तो हो गया इसका सैद्धांतिक रूप अगर हमें यह और जानकारी दे दी जाए कि एक्स वाई गैर नकारात्मक या चिकचर हैं मतलब वो हमेशा धनात्मक मान लेते हैं शून्य या धनात्मक मान लिए गैर नकारात्मक या चिक्चर हैं तब यह जो हमने जो दो दो भागों में विभाजित क्षेत्र दिखाए थे वह संकुचित होकर इस प्रकार हो जाते हैं अब हमने देखा कि एक्स वाई दोनों मान लेंगे धनात्मक तो सारे वह क्षेत्र जो कि वाई ऋणात्मक और एक्स ऋणात्मक को इंगित करते हैं वह अब प्रायिकता उनमें नहीं गणना की जाएगी जो जिस क्षेत्र में प्रायिकता की गणना होगी वो होगी शून्य से लेकर धनात्मक अनंत तक दोनों एक वाई थे क्योंकि यहाँ पे यह समाकलन दो चरों में होगा लेकिन हमें संबंध प्राप्त है कि कैसे एक चर दूसरे चर से संबंधित है तो उसका इस्तेमाल करके हम एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख देंगे और यह, है, यह हमारा इच्छित यह मान है जो इच्छित याचिक्चर है यह उसके वास्तविक मान है तो इस तरह यह प्रायिकता हमें इस दिशा में इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी और यह इसकी एक और व्याख्या है जो कि हमने देखा कि हम किसी दो याचिक के अनुपात का प्रायिकता वितरण या प्रायिकता घनत्व की गणना कैसे कर सकते हैं आइए एक और प्रश्न की ओर पढ़ें वह प्रश्न वह अंतिम प्रश्न इस प्रकार है कि मान लीजिए कि हमें दो स्वतंत्र प्रसमान याचिक चर जिसे कि x और y से इंगित किया गया है दिए हैं और इन चर का औसत मान शून्य है और इनके विचरण जो है दोनों याचिकरों एक्स वाई का विचरण समान है और उसका मान घात दो के साथ दिया गया है तो यह प्रासामान्य है कोई भी प्रासमान याचिक चर की व्याख्या हम दो प्राचल से कर सकते हैं एक तो उनका औसत मान क्या है और उनका विचरण का मान क्या है यहाँ दोनों याचिक चर का औसत मान शून्य है और उनका वितरण समान है और उसका मान सिग्मा घात दो से दिया हुआ है तो ऐसे दो स्वतंत्र प्रासमान याचिक चर के वर्ग के योग से जो हमें नया याचिक चर प्राप्त होगा उसका प्रायिकता घनत्व तो क्या होगा यह गणना करनी है तो आप देख सकते हैं कि नया चर जेट जिसे कि जेड से इंगित किया गया वह होता है दिए हुए चर के वर्ग के योग के बराबर तो अब आप देखिए कि इस इच्छित प्रायिकता घनत्व गणना हम कैसे कर सकते हैं तो जैसा कि हमने पूर्व के प्रश्नों में देखा कि कोई भी किसी भी नया फलन जो चर जो किन्हीं अन्य याचिक चरों यहाँ पे दो याचिक चर की हम बात कर रहे हैं इसलिए इसलिए द्विचर फलन की हम बात कर रहे हैं तो व्याख्या हम करने के लिए पहले हम उस क्षेत्र को ज्ञात करेंगे वो जो द्विचर के जो कि संबंध के अनुसार उस क्षेत्र की गणना करेंगे और उस क्षेत्र में प्रायिकता अगर हम निकालेंगे घनत्व से गुणा करके तो वो हमें इच्छित प्रायिकता प्राप्त हो सकती है तो यह, यह प्रारंभिक और यह सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं आइए देखें कि हम इसकी इस प्रश्न की व्याख्या कैसे करते हैं तो पहला चीज़ तो यह है कि मान लिया कि दो याचिकचर हमें दिए हुए हैं और हमें गणना करनी है उन याचिक चरों के वर्ग के योग की जो कि एक नया याचिकचर झेड होगा तो इसका प्रायिकता फलन हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से कि उन कोई दो चर के वर्ग का योग छोटा होता है किसी वास्तविक संख्या जेड से जिसको कि छोटा जेड से हमने किया है सम्विधित और यह चूंकि दो याचिक हैं तो हम एक द्विचर का जो संयुक्त प्रायिकता फलन होगा वो उससे उसकी गुणना करके उसका समाकलन करके हम प्राप्त कर सकते हैं कब प्राप्त कर सकते हैं जबकि दोनों का योग का मान जेड से कम हो तो यह तो सैद्धांतिक रूप से हुआ आइए इसकी व्याख्या करें कि कैसे इस सैद्धांतिक रूप को हम इस व्यवहारिक रूप में बदलेंगे तो आप देख सकते हैं जो संबंध दिया हुआ है कि दो या चिक्चर के वर्ग का योग एक नया वाचिक थे तो आप ध्यान देंगे जो कि आपने पढ़ा होगा कि जामिति में कि यह एक वृत्त के समीकरण को व्यक्त करता है कि दो या चिक्चर के वर्ग का मान अगर किसी भी वास्तविक संख्या से कम या छोटा हो तो वह एक वृत्त को दर्शाता है और उस वृत्त की त्रिज्या होगी वर्गमूल जो भी दाई तरफ संख्या दी हुई है तो यहाँ इसकी इस वृत्त की त्रिज्या होगी जेड वर्गमूल के सो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही जो होगी इस प्रायिकता की गणना के लिए इस्तेमाल होगा तो आइए इस क्षेत्र को और व्याख्या करें कि वह क्षेत्र आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यह एक्स और वाई दो याचिक चर हैं और यह कोई मान एक सौ वाई लेते हैं और यह एक सौवाई का मान का योग अगर एक निश्चित होता है जिसका कि मान यहाँ पे जेड से इंगित किया गया तो यह आप देख सकते हैं कि यह वर्ग के किसी भी वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र होगा उसी की व्याख्या कर रहा है यह संबंध तो इस संबंध में हम की प्रायिकता निकालने के लिए हम पहले इसको किसी भी एक पट्टिका की प्रायिकता निकालेंगे और कोई बहुत ही पतली पट्टिका की प्रायिकता निकालेंगे और उसको उस क्षेत्र को हम उसके प्रायिकता फलन से गुणित करके उस पूरे क्षेत्र की प्रायिकता या एक क्षेत्र प्रायिकता फलन की गणना कर सकते हैं तो इस चीज़ में आप देख सकते हैं कि हम इस दशा में जो विचरण फलन है उसकी गणना कर सकते हैं संयुक्त फलन को समाकलित करें जबकि एक या चिक्चर जहाँ पे y है जो कि मान लेता है धनात्मक जड़ वर्गमूल और ऋणात्मक जड़ वर्गमूल के बीच में और जहाँ x का मान होता है इस संबंध को इस्तेमाल करके जड ऋण y घात के और इसका चूंकि है संबंध हमको ए, एक्स घात एक दो दे रहा है तो एक्स का मान निकालने के लिए हम उसका वर्गमूल ले लेंगे तो अतः यह वर्गमूल हमने कर दिया तो यह एक्स का मान हो गया तो आप देख सकते हैं कि संयुक्त घनत्वफल इसमें जो होगा उसकी पहला समाकलन एक्स के सापेक्ष जिसमें कि एक्स जो है इन दो सीमाओं के बीच में समाकलन को हम गणित करेंगे और जो उस समाकलन से जो प्राप्त होगा उसका पुनः समाकलन हम y के रूप में करेंगे जहाँ की सीमाएं ये जो है इस प्रकार हैं तो यह तो हो गया इसका सिद्धांतिक रूप आइए अब इसको गणित करें कि कैसे यह होगा तो अब अगर हम दिए हुए जो संयुक्त प्रायिकता घनत्व फल है या नए जो या चिक्चर जेड का अगर हम वितरण फल को अगर हम x के सापेक्ष अगर हम इसको अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है इसको करेंगे तो क्यों एक्स के सापेक्ष क्योंकि हमने यहाँ दो याचिक्चर के सापेक्ष है हमने एक्स का मान वाई के संबंध में कर दिया है तो अगर हम इसको अगर याचिक्चर का फलन निकालना चाहते हैं तो अगर हम एक्स के सापेक्ष करते हैं यहाँ लेबनीज प्रमेय के अनुसार निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है मेरा अनुमान है कि आप उससे परिचित होंगे कि अगर कोई भी समाकलन है उसका कैसे अवकलन करते हैं किसी भी चर के सापेक्ष सो उसी प्रमेय का इस्तेमाल करके उपरोक्त वितरण फलन का के सापेक्ष अवलन करने पर जो हमें प्राप्त होगा घनत्व फल वो निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है जब यह निम्न प्रकार से व्यक्त हो जाता है तो अब हम को यह दिया हुआ है कि यह जो याचिक चर हैं ये तो ये इसका सैद्धांतिक पद हो क्या अब हमें दिया हुआ है कि वह याचिक चर के बारे में कुछ व्याख्या है कि वह प्रसमान याचिक चर हैं प्रसामान याचिक चर हैं जिनका की औसत का मान शून्य है और जिनका कि वितरण समान है विचरण समान है जिसका कि मान सिगमाघातों से इंगित है तो आप ये ज्ञाती है कि ऐसे संयुक्त घनत्व फल का मान इस प्रकार लिखा जा सकता है जो कि ये स्वतंत्र हैं तो हमने दो गौसी या चिक्चर या प्रसमान या चिक्चर के घनत्वल को का गुणन इसीलिए यहाँ पे वर्गमूल यहाँ पे चला गया चूँकि एक सौ के जो घनत्वल में से हमें वर्गमूल प्राप्त होगा यह संख्या बराबर है चूँकि उनका विचरण समान है तो यह हमें यह प्राप्त हो गया और जो जो घातीय है घात में जो भी हमारे पास जो उनके पद हैं वो उनका योग प्राप्त हो जाएगा और चूंकि यहाँ विचरण समान है इसलिए दोनों ही चूँकि औसत शून्य है और विचरण समान है तो यह घात जो ई के दोनों घात का योग हो जाएगा और यह है ऐसे दो या चर जो कि स्वतंत्र होते हैं और प्रासामान हैं तो यह उनका संयुक्त घनत्व फल हो गया तो आप देख सकते हैं कि उपरोक्त में जब हमें यह घनत्व फल का मान प्राप्त हो गया अतः हम बड़े आसानी से इच्छित घनत्व फल की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने x के लिए सापेक्ष कर दिया था इसलिए हमें घनत्व फल प्राप्त हो गया और यहाँ पे हमने संयुक्त घनत् फल का प्रतिस्थापन इन दोनों जगह कर दिया आप देख सकते हैं कि जो कि इस संयुक्त घनतफल में दिए हुए प्राचल का वर्ग है तो अतः यह ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह एक ही तरह के पद देगा अतः उसका मान हमें दुगुना करके इकट्ठा कर लिया और अब यह आप देख सकते हैं कि यह सीमाएँ इस समाकलन में समान हैं ऋणात्मक और धनात्मक वर्गमूल जेड के तो अगर हम इसे चाहेंगे कि एक एक ही दशा में व्यक्त कर दें जिसका कि मान शून्य से लेकर जेड वर्ग मूल तक होगा तो यह दो पद जो है वो यह दो पद देगा यह दो पद पहले से समाकलन में स्थित दो इस भागा दो से एक दूसरे को यह काट देंगे तो अतः हमें यह समाकलन निम्न रूप से प्राप्त हो जाएगा और यह एक स्टैंडर्ड समाकलन है जिसका कि मान आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि यह जो होगा अभी हम कैसे निकालते हैं इसको अगले पटल में दिखाते हैं आपको तो यह संकुचित होकर इस तरह का समाकलन प्राप्त हो जाता है अब हम देखते हैं कि इस जो संकुचित समाकलन है उसका अगर हमें करना है तो अगर आप याद करें तो ऐसे समाकलन को करने के लिए हमें कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ता है तो अगर हम इसमें प्रतिस्थापित करें y का मान जडवर्गमूल साइन थीटा तो अगर यह अगर इसमें प्रस्थापित करें तो दिया हुआ समाकलन निम्न रूप से परिवर्तित हो जाएगा आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सरलीकृत हो जाता है क्योंकि ये दोनों पद आपस में एक दूसरे को कट के इकाई दे देंगे अतः यह समाकलन हम बड़े आसानी से इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं तो जब हमने इसको इस प्रकार यह समाकलन हमको देगा थीटा जिसका कि मान शून्य और पाई भागा दो के में भी होगा जिसको कि हम स्थित करने पर यह जो स्थिरांक है यहाँ पर है इस स्थिरांक का मान जेड के रूप में इस प्रकार आ जाएगा तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि नया या चेकचर का वितरण फलन टाइप प्रायिकता घनत्व फलन किस प्रकार व्यक्त किया गया है यह इस प्रकार व्यक्त किया गया कि यदि एक सौ वाई स्वतंत्र गांवसी या चिक्चर हैं शून्य औसत और समान विचरण सिग्मा घात दो के साथ तब उनके वर्गों का योग जो कि हमें दिया है एक घाती या छिकचर होता है या आप देख सकते हैं कि यह घनत्व फलन जो है वो घाती घनत्व के समरूप आ रहा है एक घाती या छिकचर होता है जिसका कि प्राचल का मान दो सीग्मा घात दो होगा क्योंकि यह यहाँ पे जो भी मान होगा वही उसका घाती मान होगा यह एक प्राचल है आप जानते ही हैं कि कोई भी या छिकचर जो घाती होते हैं उनका प्राचल कैसे लिखा जाता है वो होता है लेमडा ई के घात ऋण लेमडा जो हमारा याचिक चर है तो यहाँ याचिक चर जड है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्राचल का मान है दो सिग्मा के घात दो तो हमने इस प्रकार कुछ प्रश्नों की आपसे व्याख्या की जबकि याचिक चरों के द्विचर फल होते हैं ऐसे समस्याओं में जिसमें या दो याचिक की व्याख्या करनी पड़ती है तो ऐसे में उनके प्रायता का गणन कैसे किया जाता है आशा है कि आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी और इसी के साथ मैं एक अन्य विषय पे आपके सामने चर्चा के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ नमस्कार